नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग लुसेंट गाइड से समय, चाल और दूरी का चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 31 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 6 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है। एक रेलगाड़ी 6 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है। पटना से हावड़ा पहुंचने में कितना समय लगेगा यदि पटना और हावड़ा के बीच की दूरी 530 किलोमीटर हो? तो 6 घंटा में 30 किलोमीटर चलता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ उसकी चाल निकाल लेंगे। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना तय कर रहा है? 300 किलोमीटर। कितने घंटे में तय कर रहा है? 6 घंटे में। 6 से इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 50, यानी चाल हो जाएगा उसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम लोगों को इसमें पटना से हावड़ा पहुंचना है, तो पटना से हावड़ा के बीच का दूरी कितना है? 530 किलोमीटर है। तो कितना समय लगेगा पटना से हावड़ा पहुंचने में, यानी कि दूरी तय करने में लगा समय पूछा जा रहा है। तो लगा समय बराबर, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना? तो पटना से हावड़ा के बीच का दूरी 530 किलोमीटर दिया है, और चाल हम लोगों का कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। 5 दहाके 50, यानी कि 10 पूर्णांक, और इसको 3/5 घंटा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यही इसका क्या होगा? उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक कार चालक किसी स्थान से 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दूसरे स्थान तक जाता है। 30 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से गया, फिर तुरंत वहां से 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आरंभिक स्थान पे लौट आता है। यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, तो कार की औसत चाल निकालिए। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हम लोगों को यहाँ से कितना हो जाएगा? क्योंकि एक ही दूरी है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक स्थान यहाँ है, ठीक है, एक स्थान से गया दूसरे स्थान पे यहाँ, और फिर यहाँ से गया यहाँ, और फिर यहीं से वापस लौट आया अपने मूल स्थान पे। ठीक है, तो गया 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, लौट आया 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। तो जाने में कितना समय लगा? अच्छा, दोनों के बीच का दूरी दिया गया है 60 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी कितना दिया गया है? 60 किलोमीटर। तो जाने में कितना समय लगा और आने में कितना समय लगा? तो जाने में लगा समय बराबर, तो जाने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी तो 60 किलोमीटर गया है ना यहाँ से यहाँ तक, समय बराबर दूरी बटा चाल, और गया था 30 किलोमीटर के हिसाब से। तो 30 दूनी 60, यानी कि समय लगेगा इसका 2 घंटा, है ना? 2 घंटा तो जाने में लगा, आने में कितना समय लगा? तो आने में लगा समय बराबर हो जाएगा, आने में लगा समय दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना हो जाएगा? आने में लगा समय दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना? दूरी तो वही तय करेगा, मतलब कि जिस स्थान से गया था यहाँ तक, फिर वहीं से इसको वापस आना है। लेकिन वापस आ रहा है कितने के हिसाब से? 20 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से। तब 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60। मतलब कि
3 घंटा जो है जाने, 2 घंटा जाने में लगा, 3 घंटा वापस आने में लगा। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है इसका औसत चाल बराबर। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, औसत चाल निकालना है इसका, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा लगा कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटा लगा कुल समय। कुल दूरी बटा लगा कुल समय, तो कुल दूरी कितना है? देखिए, 60 किलोमीटर गया, 60 किलोमीटर आया, तो टोटल दूरी हो जाए कितना? 120 किलोमीटर, है ना? इसी दूरी को तो तय कर रहा है। और चाल कितना हो जाएगा? तो 2 घंटा। समय कितना हो जाएगा? 2 घंटा यहाँ, 3 घंटा यहाँ, तो 5 घंटा। अब 5 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में? 24 बार में। तो चाल हो जाएगा 24 बार में, है ना? तो चाल हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ना? चाल क्या हो जाएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। क्वेश्चन नंबर 33। एक व्यक्ति पहले घंटे में 10 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से तथा तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलता है। इस दरमियान इसकी औसत चाल क्या है? इस दरमियान इसकी औसत चाल क्या है? देखिए, मान लेते हैं माना कि तय दूरी, यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहा है ना? माना कि तय की गई दूरी कितना है? 1 किलोमीटर है। माना कि तय दूरी है 1 किलोमीटर, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो कितना समय लगा होगा उसको? तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 1 किलोमीटर है। और कितना चाल क्या है उसका? शुरू में जो चाल है वो 10 किलोमीटर पर घंटा है, तो 1/10 हो जाएगा। फिर मान लेते हैं दूरी उसने 1 से तय किया। ठीक है, तो 1 से दूरी तय किया तो चाल कितना था? 20 किलोमीटर। फिर 1 से तय किया, चाल उसका कितना था? 30 किलोमीटर। ठीक है, अब उसने क्या किया? अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि 10, 20, 30 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 60। 6 बार में कटेगा, 6x हो जाएगा। 20 से ये 3 बार में कटेगा, 20 से ये 3 बार में कटेगा तो यहाँ 3x हो जाएगा। 30 से ये 2 बार में कटेगा तो यहाँ 2x हो जाएगा, यानी कि 6 3 9, 9 2 11x। तो 11 x/60, 11 x/60 घंटा, ठीक है, उसे लगेगा। अब हम लोग को निकालना है औसत चाल। तो औसत चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कुल दूरी बटा कुल समय लिखेंगे। तो कुल दूरी कितना? पहली बार में 1x, फिर दूसरी बार में भी 1x, तीसरी बार में 1x, तो 3x हो जाएगा कुल दूरी। कुल समय कितना लग रहा है? तो 11 x/60, 11 x/60। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3x 60 ऊपर चला जाएगा और बटा में 11 रह जाएगा, 11x। 1 से 6x खत्म,
तो 36 18 180 बटा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34। एक मोटर कार 80 किलोमीटर पर घंटा की गति से 5 घंटे में जो दूरी तय करती है उसी को 4 घंटे में तय करने के लिए मोटर कार की गति प्रति प्रति घंटा कितने किलोमीटर बढ़ानी होगी। एक मोटर कार 80 किलोमीटर पर घंटा की गति से 5 घंटे में जो दूरी तय करती है, ठीक है, तो 80 किलोमीटर पर घंटा की गति से 5 घंटा में तय करती है। तो देखिए तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, तय की गई दूरी निकाल लेंगे तो तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। चाल कितना है 80 किलोमीटर पर घंटा और समय है कितना 5, यानी कि 400 किलोमीटर की दूरी यहाँ से तय किया जा रहा है ना, 400 किलोमीटर की दूरी यहाँ से तय किया गया। अब इसी दूरी को कितने घंटा में कवर करना है, 4 घंटा में, इसी दूरी को 4 घंटा में तय करना है, तो मोटर कार की गति क्या होगी। तो 4 घंटे में तय करने के लिए, 4 घंटे में तय करने के लिए मोटर कार की चाल बराबर या मोटर कार की गति बराबर, मोटर कार की गति बराबर, गति या चाल का एक ही चीज है, तो गति बराबर होता है या चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना हो गया 400, समय कितना हो गया 4 घंटा, तो इसका चाल हो जाना चाहिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।